अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इलाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन ख्वातीन के लिए अमल जो अपने बालों की वजह से परेशान है, जिनके बाल लंबे नहीं होते या जिनके बालों से खुश्की ख़त्म नहीं होती, उनके लिए ये मुजर्रब अमल है। इससे उनकी ये सारी बालों की सर की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सी ख्वातीन मेरी माओ बहनों ने इस बात का सवाल किया था कि हमारे बाल टूट जाते हैं, लंबे नहीं होते, हमने बहुत से शैम्पू भी इस्तेमाल कर लिए, बहुत से तेल भी इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता और हम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये बात परेशानी वाली भी है क्योंकि ख्वातीन का हुसन भी बालों के अंदर है। बहुत ज़्यादा हुसन की जो चीज़ है बालों के अंदर पाई जाती है। अगर बालों के मसाइल ख़त्म ना हों तो इससे हुसन में भी कमी आती है। और इसी तरह मर्दों के बालों के साथ भी यही मामलात हैं। तो ये मर्द हज़रात भी इस अमल को कर सकते हैं, ख्वातीन भी इस अमल को कर सकती हैं। दोनों के लिए ये मुजर्रब अमल है, पावरफुल अमल है, ये अपनी तासीर खुद रखता है। जो इस अमल को कर ले इंशाल्लाह बालों वाला मसला उसका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप ज़्यादा तेल ले लें, जो भी तेल आप घर में इस्तेमाल करती हैं पहले या करते हैं आप में से, ये उसी तेल पर जो आपके घर में मौजूद है, जो आपके बालों के लिए सूटेबल है, जो बिल्कुल उनके लिए फ़ायदा मंद है, जिससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, अगर नहीं तो फिर आप या सरसों का तेल ले लें या आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और आपने करना क्या है, ये दो तेल लेकर आपने नए सिरे से इस काम को शुरू करना है और फिर मुझे आपने इसका रिज़ल्ट भी बताना है कि हमें इससे कितना फ़ायदा हासिल हुआ है। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगी कि हम आपकी जो प्रॉब्लम बालों की है वो सिरे से ख़त्म हो जाएगी, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह हमेशा के लिए इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। करना क्या है, आपने कोई भी तेल ले लेना है, खालस हो तेल, आप किसी कोल्हू पे जाकर सरसों का तेल ले लें या कोई भी तेल जो आप पहले इस्तेमाल करती हैं उससे हटकर आप जो आपके बालों के लिए बेहतर है वो तेल ले लें। आपने उस तेल की एक बोतल ले लेनी है और बड़ी सी बोतल ले लें जो आपका कम से कम 11 दिन तक वो तेल चल जाए। वो आप रोज़ शाम को इस्तेमाल करें लेकिन वो 11 दिन तक मुसलसल चल जाए, ख़त्म ना हो। अगर ख़त्म होने लगे तो आप उसमें और भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन जब शामिल करें तो फिर आप इस वजीफे को दोबारा उसके ऊपर पड़ेंगे। इसलिए आप उस मकदार से तेल ले लें जितना आप घर में इस्तेमाल करें, तो 11 दिन या 21 दिन तक वो चल जाए। आप उस तेल को दीगर घर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके घर के मज़ीद अफराद हैं, अगर उनको भी बहनें हैं भाई हैं वो भी उस तेल के इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उनके बालों का भी मसला है तो। अगर नहीं भी मसला तब भी वो कर सकते हैं, इससे इंशाल्लाह मज़ीद भी उनको फ़ायदा होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। ये वो दुरूद पाक है जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत भी है, अजमत भी है। इसको मैं तो कहता हूँ हर रोज़ सुबह शाम 11 मरतबा वैसे ही पढ़ लिया करें, असूल बरकत के लिए इंशाल्लाह आपके कारोबार में भी बरकतें पैदा होंगी। तो करना क्या है, आपने बालों की बीमारियाँ ख़त्म करने की नीयत से कोई भी बीमारी हो और ये इरादा करना, या अल्लाह जितनी भी बीमारियां हैं मेरे बालों के मुतलक, मेरे सर के मुतलक, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं इंशाल्लाह। अगर सर में खुश्की है, ख़ारिश होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और दीगर जो मसाइल होते हैं बालों के वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने सूरत लैल और सूरत रहमान पढ़नी है। आपने पढ़ कर तेल पर दम कर देना है, इंशाल्लाह उस तेल को आप इस्तेमाल करें। आप 11 दिन नहीं गुजरेंगे तो आपकी बालों की सारी परेशानियां जो हैं, सारी बीमारियां जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जिन दोस्त साहब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व ताला आप सब का हामी व नासिर। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।